नमस्कार, मैं हूँ शिखा श्रेया और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं फिलहाल खेल गांव के होटवार जेल में मौजूद हूँ। यहाँ पर पूजा सिंघल, आईएएस निलंबित पूजा सिंघल भी अंदर है। 8 जून तक वो जेल में ही रहेगी। उनको हिरासत में कल ईडी ने ले लिया, उसके बाद पूछताछ हुई, उसके बाद उन्हें जेल जाने का निर्देश दिया गया और वो जेल में है फिलहाल। आपको बताते चले कि पूजा सिंघल भले जेल में पहुंच गई हो, लेकिन उनका जो धौंस है, उनकी जो अकड़ है, वो कम नहीं हुई है। वो आईएएस वाला ही है। आपको बता दें, जैसे पूजा सिंघल जेल के अंदर पहुंची, वो जमादार को देखकर फिर से भड़कने लगी। उनको नाश्ते में चना चूड़ा, इस तरह मुढ़ी, इस तरह की चीज़ें खाने को मिली, लेकिन जैसे ये चीज़ें उनके सामने आती, वो चुपचाप मुंह फेर लेती, क्योंकि उन्हें खाने का मन नहीं होता और वो भूखे, बहुत देर वो भूखे ही रह रही है, क्योंकि एक्चुअली आईएएस ऑफिसर की लाइफ में इतना सादा खाना शायद ही उन्हें कभी खाने को नसीब हुआ हो। तो जेल की हवा के साथ ये खाने का आदत लगने में शायद काफ़ी वक्त लगेगा, धीरे धीरे। इसके साथ ही कुछ महिला हैं उनके आसपास जो उनका विशेष ख्याल रख रही है। सोने के लिए मात्र एक चादर और एक लोटा मिला है। इसके साथ ही एक रूटीन में बंधा हुआ है पूजा सिंघल का जो दिनचर्या है। आपको बता दें, बिरसा मुंडा जो ये जेल है, कारा जेल है, ये एक रूटीन के अनुसार चलता है। सुबह में एक बार काउंटिंग होती है 8 बजे, जहाँ पे नाश्ते दिए जाते हैं। अगर एक काउंटिंग के दौरान अगर एक कैदी भी मिसिंग नज़र आता है, तो पूरे जेल में कोहराम मच जाता है जब तक वो मिल ना जाए। इसके साथ ही उनको कैदी नंबर भी मिल चुका है पूजा सिंघल को। जी हाँ, एक बार यूपीएससी टॉपर रही, यूपीएससी में ऑल ओवर इंडिया टॉप 50 में रैंक लाकर एक वो नंबर मिला था जो पूरे देश में उन्होंने शान बढ़ाया था, पूरे देश का शान, अपने माता पिता का शान बढ़ाया था। लेकिन आज उनको नंबर मिला है 1187। जी हाँ, ये यूपीएससी का कोई रोल नंबर नहीं है, बल्कि ये उनका कैदी नंबर है। जी हाँ, अब पूजा सिंघल का ये कैदी नंबर 1187 जो है, ये इनकी कहीं ना कहीं नई पहचान बन गया है। वो पूजा सिंघल जो कभी झारखंड के बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े मंत्री और सीएम के बेहद करीबी रही है, जिनका पूरे झारखंड में तूती बोलती थी, हर विभाग में बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ इनकी साठगांठ थी, लेकिन आज उनका जो नंबर है 1187, ये बहुत अपने आप में वक्त बदल गया है। यूपीएससी टॉपर का रोल नंबर से लेकर ये कैदी नंबर का, ये जो रोल नंबर है 1187, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, अगर नियत और ईमानदारी से काम ना किया जाए तो। ऐसे आपको बता दें कि जब से खंगाले गए हैं इनके व्हाट्सअप चैट्स, तब से बहुत बड़े बड़े राज सामने आ रहे हैं। इसमें विशाल चौधरी, जिनके घर में अनिल झा, जिनके घर में छापा ऑलरेडी पड़ चुका है, हमने आपको बताया। इसके साथ ही कल ही प्रेम प्रकाश के घर में भी छापा पड़ा। आपको बता दें, साहिबगंज के जो DMO हैं, उनके जब व्हाट्सअप को खंगाला गया, तो उससे भी कई सारी जानकारी ईडी को मिल रही है, निकल के कई सारी जानकारी निकल के सामने आ रही है। और सबसे विशेष, जो प्रेम प्रकाश अब एक नया मोड़ आया है विशाल चौधरी और अनिल झा के पास। आपको बता दें, प्रेम प्रकाश का घर हरमू में है, वो भागने की फिराक में थे, वो असल में विदेश भागने के फिराक में थे, लेकिन ईडी ने उनको धर दबोचा और उनसे पूछताछ की। उनके घर पे भी छापामारी चल रही है, भागने में तो वो असफल रहे, उनको भी हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ प्रेम प्रकाश का अपडेट आता है, वो हम आपको थोड़ी देर में ही देंगे। लेकिन जब बात यहाँ पूजा सिंघल की हो रही है, जैसा आप जानते हैं, हम होटवार में दिखाना चाहूँगी होटवार जेल को। यही वो जेल है जिसमें पूजा सिंघल जो है वो मौजूद है, और 8 जून तक वो यहीं पर मौजूद रहेगी। देखते देखते पूरा वक्त बदल गया। कहाँ आईएएस ऑफिसर का बड़ा चैम्बर होता था, जिसमें एसी और सारे सुख सुविधाएं होते थे, लेकिन आज वक्त है जब उनके पास शायद सोने के लिए एक ढंग का पलंग तक नहीं है, एक ढंग की चादर तक नहीं है, नहाने के लिए एक ढंग का वॉशरूम तक नहीं है। कहीं ना कहीं ये होना ज़रूरी भी था, क्योंकि इससे आने वाला जो जनरेशन है और आईएएस है, कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा डर तो ज़रूर बैठेगा। वैसे झारखंड में ऐसे तो बहुत अवैध चीज़ें हो रही है, लेकिन इस तरह का कार्रवाई कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है आने वाले अधिकारियों को। पूजा सिंघल के साथ क्या आगे अपडेट होगा, क्या उनका रवैया रहता है, एक एक छोटी छोटी जानकारी हम आपको जीएन भारत में लगातार देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। आप जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।